सबसे अमीर शहर मुंबई जहरीली हवा में सांस ले रही है। हर दिन बन रही प्रदूषण की सुर्खियों के बीच राज्य सरकार अब एक्शन मोड में है। कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं, कार्रवाई शुरू है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुंबई प्रभारी दीपक केसरकर दावा कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से समिति का गठन होके उसकी कार्यवाही भी चालू हो गई, जहाँ पे भी काम चल रहा होगा उनको नोटिसेस दी गई हुई है कि वो ये मशीनरी अपने अपने साइट पे बिठाए। अगर इंडिविजुअल पे कंट्रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट का भी काम चलता होगा और वो कोई कंपनी कर रही है तो उनको भी ये कंपलसरी है। उसके अलावा जो मूविंग ऐसी मशीन्स है वो भी महापालिका ने उसकी कार्रवाई चालू कर दी है, वो तो मूविंग रहेगी और वो घूमती रहेगी, लेकिन जो साइट पे काम चल रहा है वहां पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना उस साइट की जिम्मेदारी है और वहां पे जो काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अभी ये कार्रवाई शुरू हो गई है, आप आते 1 या 2 महीने में देखेंगे कि इसका स्तर नीचे आ जाएगा। सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स पर नकेल कसने की योजना बनाई है, क्योंकि गठित समिति को आशंका है कि बिल्डर साइट्स पर वायु और धूल प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं कर रहे हैं। 27 पॉइंट्स में जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार नियमों का उल्लंघन कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को सीधे काम रोकने का नोटिस जाएगा। ये नियम बीएमसी के प्रोजेक्ट पर भी लागू होंगे। सभी 24 वार्ड्स में स्क्वाड का गठन होगा। छोटे वार्ड्स में 2 टीम, मध्यम वार्ड्स में 4 और बड़े वार्ड्स में 6 टीम का गठन किया जाएगा। ये टीमें अपने अपने वार्ड में साइट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगी। गाइडलाइन के अनुसार सभी बीएमसी प्रोजेक्ट साइट्स, पुल निर्माण, फ्लाईओवर और अन्य पर 25 फीट की बैरिकेडिंग लगानी होगी। 70 मीटर से ऊंची साइट को 35 फीट ऊंचे मेटल शेड और निर्माणाधीन इमारत को कपड़े के कवर से ढकना होगा। प्रत्येक निर्माण स्थल पर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। SRA, MHADA, MIDC, MSRDC, MMRDA, BPR, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, रेलवे जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा नियमों का पालन किया जाएगा। अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने वार्ड में स्पेशल स्क्वाड टीम का गठन करेंगे। नई गाइडलाइंस तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। विपक्ष ने घेरते हुए कहा कि 1.5 साल से राज्य की सत्ता संभाल रही महायुति सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है। अरे ये जुमलेबाजी सरकार है और ये 50 खोके की जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस है। अभी 1.5 साल से इनकी सरकार है, महाराष्ट्र को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। आप सारे नंबर्स देखिए केंद्र सरकार से, इन्वेस्टमेंट्स का देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, क्या पाया है? अभी तो महाराष्ट्र सबसे आगे किस में है? तो एयर पोल्यूशन में सबसे आगे है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, देयर इज नो गवर्नमेंट। तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी की नेतृत्व वाली तब की बीएमसी के कामकाज पर सवाल उठाए। मुंबई करो इसके लिए तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे जिम्मेदार हैं। आज आपके बच्चे, बुजुर्ग सांस की तकलीफों से पीड़ित हैं, आप अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ युवराज आदित्य ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। पिछले 25 वर्षों तक मुंबई नगर निगम पर शासन किया, लेकिन मुंबई के कचरे के उचित निपटान के लिए कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की। डंपिंग ग्राउंड पर लगा कूड़े का अंबार, आग, दुर्गंध, धूल और धुएं के कारण उनका हर दिन सामना होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? आरए को क्या सिर्फ जंगल घोषित कर देने से प्रदूषण रोका जा सकता है? युवराज ने किस विश्वविद्यालय में ऐसे पाखंडी, स्वार्थी, पर्यावरण प्रेम के पाठ सीखे जिससे मुंबईकरों का दम घुट जाए? क्या हमें सच में उनकी डिग्री की जांच करनी चाहिए? मुंबई की हवा लगातार मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। बीएमसी प्रशासन मुंबई में वायु और धूल प्रदूषण की वजह करीब 6000 वर्क साइट्स को मान रहा है। अक्सर दिवाली के बाद हवा मध्यम से खराब श्रेणी में दिखती है, पर इन निर्माण कार्यों में हो रही अनदेखी अक्टूबर से ही मुंबईकरों की सेहत पर भारी पड़ रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।